पक्का? हाँ जी बच्चा, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज एग्जाम्पल नंबर 36। आपने देख लिया मैंने कितनी तारीफ करी है इसके साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिपिकल लर्न क्वेश्चन देखने में बहुत प्यारा है, छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत सारे टिपिकल स्टेप्स हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए इन क्वेश्चंस को क्या है, स्टार्ट करते हुए कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको फिर बोलूंगी, डेफिनेट का क्वेश्चन हो, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, देखो बच्चा इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक है। मैं ये चाहती हूँ कि आपको हर क्वेश्चन को देख के उसे स्टार्ट करना जरूर आता हो। मैं आपको सबसे पहले ये सिखाना चाहती हूँ, आपको क्रैक करना आना चाहिए क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कौन सा है। अगर वो डेफिनेट का है तो ठीक है, वो डेफिनेट की कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। मुझे एटलीस्ट क्वेश्चन देख के ये बात जरूर क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो भाई बूंद बूंद से सागर भरता है। और बोर्ड में तो मैं बता दूं एक पॉइंट क्रैक करने के नंबर होते हैं। आप अगर क्वेश्चन स्टार्ट भी कर पाओगे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हर क्वेश्चन में क्वेश्चन देख के क्रैक करना आना चाहिए, जो मैं बार बार आपको सिखा रही हूँ। क्वेश्चन में अगर वो डेफिनेट का क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगर मैंने डेफिनेट देखा, मैंने उसमें मॉड्यूलस देखा, तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी, मैं उसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई कर दूंगी जो ब्रेक करने वाली है। मैंने क्वेश्चन में -a to a देखा, -4 to 4, -π से π, -π/2 से π/2, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक सेकेंड लगा के उसमें इवन ऑड फंक्शन चेक किया, देन आगे की इफ बट सर्कमस्टांसेस उसकी जगह है। लोअर लिमिट कहीं 0 देखी तो लोअर लिमिट 0 देख के प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई कर दी, दैट इज a-x, और उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दिया। और अभी अभी हमने सीखा कि जब हम क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई कर रहे होते हैं, जिस क्वेश्चन में हम फंस जाएं, फंस कैसे जाएं वो मैंने बता दिया कि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू सेम आ जाए, तब हम उसमें प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करते हैं। जो अभी हमने नई नई सीखी तो हम उसको अप्लाई करते हैं। सही जा रही हूँ? अभी तक जो मैंने बताया है उसके किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत? प्रॉपर्टी को देख के क्रैक कैसे करना है ये बता दो भाई, ये क्लियर होना चाहिए। देख के क्रैक कैसे करते हैं, ये क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यस मैम। अब इस क्वेश्चन में मैंने, मेरा क्वेश्चन है दैट इज 0 से π/2 log sin x, ये अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देखेंगे आपको पता चलेगा। अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं? सबसे पहले फिफ्थ प्रॉपर्टी। मैं फिर कहूंगी आप जहां पर भी जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करें प्लीज उसे स्टेट करें, मेरा बोर्ड फिलहाल छोटा है, मैं अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, साथ में नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन अगर आपने टेस्ट में साथ में नहीं लिखी तो मैं आपके मार्क जरूर कट करने वाली हूँ। तो π/2 क्या हो जाएगा, ये क्या लिख दूं? cos x। अब मुझे मालूम है प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाले को क्या करना होता है, बिल्कुल। मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन 90% केसेस में मुझे ऐड करके फायदा रहता है, कुछ हमारे है 10% टिपिकल टाइप ऑफ केस, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में तो हम पहले यही देखते हैं भाई प्लस करके कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर मैंने प्लस करूंगी log sin x प्लस log cos x क्या हो जाएगा, ये जगह नहीं है इसीलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको लिखनी है, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। तक किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन के इस स्टेप तक कोई दिक्कत? इस स्टेप तक बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? अब यहां से स्टार्ट होता है पहला टिपिकल स्टेप, ये जो मैंने आपको टिपिकल लर्न लिखा है, यहां से स्टार्ट होता है पहला याद करने वाला स्टेप इस क्वेश्चन का, कि क्या किया है मैंने, जबरदस्ती इस ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। फिर बोला ये इसका टिपिकल लर्न स्टेप है जो मैंने सबसे पहले किया, मैंने क्या किया, ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आया था इस ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हाँ जी बच्चा कैन यू हियर, सबको दिख रहा है, सब बोर्ड दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है? यस मैम, ठीक है। हाँ जी बच्चा, मैंने बोला ये वाला स्टेप बताइए, सबको क्लियर है ये वाला स्टेप कैसे लिया मैंने, इस वाले स्टेप का किसी को कोई दिक्कत? इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया, इस स्टेप के बाद 2 sin x cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x
साइन टू एक्स ये हो जाएगा साइन टू एक्स अपॉन टू. इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरे लिए? नेक्स्ट स्टेप लॉग एम माइनस लॉग. बिल्कुल बढ़िया, दैट इज लॉग एम माइनस लॉग एन. ये वाला स्टेप बताइए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? एक टिपिकल स्टेप करने के बाद इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? इस स्टेप तक. अब मैंने इस स्टेप में क्या कंसीडर कर दिया, इस वाले पूरे इंटीग्रल को मैंने समथिंग आई वन ले लिया. मैंने इस पूरे को क्या ले लिया? आई वन ले लिया माइनस लॉग टू. इंटीग्रेशन किया तो पाई बाय टू. इस पूरे को मैं ए कंसिडर कर रही हूँ. इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? ये वाला स्टेप तक बताइए बच्चा किसी को. लॉग टू पाई बाय टू कैसे है बच्चा? लॉग टू कॉन्स्टेंट था एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय टू माइनस जीरो तो पाई बाय टू. ओके ठीक जा रही हूँ. इस वाले स्टेप तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? टू आई इज इक्वल टू आई वन माइनस लॉग टू पाई बाय टू. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? no. अब मैं I1 का इंटीग्रेशन अलग से करने जा रही हूँ. दैट इज जीरो से लेके पाई बाय टू लॉग साइन टू एक्स. टिपिकलिटी यहां पर आती है अगेन. मैंने लेट किया 2x को t, dt बाय dx आया 2, लिमिट को भी चेंज किया. x अगर जीरो है तो t जीरो है, x अगर पाई बाय टू है तो t मेरा पाई है. दैट इज I1 मेरा हो गया 1 बाय टू जीरो से लेके पाए लॉग साइन टी डी टी. इस स्टेप का कोई दिक्कत? मैंने क्या किया है, मैंने इस स्टेप में 2x को t लिया. जब 2x को t लिया तो सब्सिट्यूशन किया तो लिमिट भी चेंज करी. लिमिट जीरो चेंज करके यहां तक आ गए. I1 के ये वाला स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? प्लीज मैं फिर कहना चाह रही हूँ, हर स्टेप को अच्छे से समझिए भाई. इस स्टेप तक कोई दिक्कत? इस स्टेप तक? इस स्टेप तक? हाँ ना, फटाफट रिप्लाई करो. नो मैम. संभव जी, सार्थक जी, इशिका जी, yes, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पूरा क्वेश्चन टिपिकल है. एक्चुअली मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से बताना चाहती हूँ. इस स्टेप में अब हमने क्या किया, हम वापस से एक्चुअली में फंस गए. इस स्टेप में मैं एक्चुअली में आके फंस गई. क्यों? अगर मैं इसमें साइन टी को अगर साइन टी को मैं टी मतलब यू लेती हूँ, सब्सिट्यूट कर, तो साइन जीरो भी जीरो आएगा और साइन पाई भी जीरो आएगा. जो पिछले क्वेश्चन में हम फंस गए थे ना, जब इस क्वेश्चन में मैं साइन टी को समथिंग यू वेरिएबल लेट करूंगी तो वो यू वेरिएबल लेट करके वापस से सेम कंडीशन आ जाएगी कि साइन जीरो भी जीरो होता है. और साइन टी को यू लेट करना ही क्यों है, तो उसके अलावा इंटीग्रेशन कैसे करोगे? मुझे इंटीग्रेशन करना है. या तो आप इसमें बाय पार्ट्स लगा के काफी गंदा जाओगे तब भी आप फंस जाओगे. मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा के आपके साथ कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ. अब मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा रही हूँ जो सिक्स प्रॉपर्टी हमने पढ़ी. आपको याद है सिक्स प्रॉपर्टी क्या थे? जीरो से पाए एफ एक्स डी एक्स, सॉरी जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स, या तो जीरो होता है या टू आगे आके जीरो टू ए हो जाता है. कंडीशन क्या है, x की जगह 2a माइनस x डालते हैं, माइनस आ जाता है तो जीरो हो जाता है, प्लस आ जाता है तो नीचे वाला लगता है. अब फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला तो क्लियर है. प्रॉपर्टी नंबर 6 एक्चुअली क्या कह रही है? प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, क्लियर है सबको क्या कह रही है? प्रॉपर्टी नंबर 6, अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 में इसको चेक करने जा रही हूँ कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी एक्चुअली, लाइक ऊपर वाला केस होगा या नीचे वाला. अब आप मुझे बताओ 2a की जगह इसमें क्या है? 2a की जगह क्या है? पाई. ये हो जाएगा f ऑफ पाई माइनस x. अब मुझे बताओ log sin पाई माइनस t क्या होगा? पाई माइनस t log sin t. log sin t, तो log sin t ये सेम आ गया. ऊपर वाला लगेगा कि नीचे वाला? नीचे वाला. नीचे वाला. अच्छा, ये रफ वर्क में आप कर सकते हो, आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है कि आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. आपकी मर्जी, आप ये शो करके दिखाना है आप शो करके दिखा सकते हो. आपकी मर्जी, आप इसे रफ में करना चाहते हो आप रफ में कर सकते हो. मैंने इसे रफ में किया, दैट मीन्स इसमें नीचे वाली प्रॉपर्टी लगेगी. नीचे वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? टू आगे आ जाता है और जो अपर लिमिट है उसका हाफ हो जाता है.
हाँ जी बेबी क्लियर है, मैंने क्या अप्लाई किया है प्रॉपर्टी नंबर 6 में नीचे वाला कैसे अप्लाई किया है, 2 आ गया जाता है जो अपर लिमिट है उसका हाफ कर देते हैं। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत, इस स्टेप तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ एकदम आपको याद है, आपको याद है भाई प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी, अगर कभी भी किसी फंक्शन की लिमिट सेम हो और फंक्शन भी सेम हो बस उनके वेरिएबल अलग हो तो वो दोनों सेम होते हैं। आप जरा इसे मैच कीजिए इस पूरे को और इस पूरे को, जब इसे आप कैंसिल कर देंगे आप मैच कीजिए, आप चेक कीजिए ये पूरा का पूरा सेम है, लिमिट जीरो से पाए, लिमिट जीरो से पाए, फंक्शन लॉग साइन एक्स डीएक्स, फंक्शन लॉग साइन टी डी टी, पूरा क्वेश्चन सेम है बस एक मेरा एक्स में है एक मेरा टी में है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1 ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, यानी कि आई 1 किसके इक्वल है आई, ये वाला स्टेप बताओ जी क्लियर हुआ क्या कहना चाह रही हूँ। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में तीसरी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, पहले 02A वाली यूज करी, फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करी ब्रेक करने वाली, फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करी, प्रॉपर्टी नंबर 1 एक ही क्वेश्चन में यूज हो रही है एक्चुअली। अब बताइए क्लियर है, आई 1 किसके इक्वल आ गया, आई 1 किसके इक्वल आ गया आई के, अब आई 1 इक्वल टू आई आप पुट कर दीजिए ए में, वी गेट मुझे क्या मिल जाएगा 2i is equal to i minus pi by 2 log 2, plus का i इधर जाके minus हुआ तो i का integration minus pi by 2 log 2, यही तो मुझे निकालना था आंसर। एग्जाम्पल नंबर 36 बताइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिपिकल, बहुत कुछ चल रहा है एक ही क्वेश्चन में, यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, पहली ट्रिक उसके अंदर आती है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, उसके बाद बिल्कुल ठीक है बस यहाँ पर हम इसको आई 1 कंसिडर कर लेते हैं, फिर जो भी चलता है वो मेरे आई 1 के साथ चलता है कि आई 1 में मैं सब्स्टिट्यूशन करती हूँ मेरी लिमिट चेंज होती है, फिर इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं अपनी अपर लिमिट को ब्रेक करने वाली, देन हम अपना नोटिस करते हैं कि ये तो इसी के सेम आ गया, ये इसी के सेम आ गया, दैट मीन्स जो था वो आई 1 आई के बराबर है, वैल्यू पुट करी मुझे आंसर मिल गया। बताइए बच्चा एग्जाम्पल नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 36 किसी को कोई दिक्कत, एग्जाम्पल नंबर 36 नो मैम सबको बताओ भाई क्लियर हुआ एग्जाम्पल नंबर 36 किसी को कोई डाउट एग्जाम्पल नंबर 36 नो मैम हाँ जी बताइए जो रफर करा बता दो कैसे करा कैसे करते हैं बार रफ वर्क में बच्चा मुझे बस ये चेक करना है कि क्या लिया है मेरा एफ एक्स कौन है लॉग साइन टी अपर लिमिट कौन है पाए मुझे चेक करना है कि ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव मेरा रफ वर्क सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि साइन पाए माइनस टी जो है वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो ऊपर वाला लग जाएगा जीरो पॉजिटिव आएगा तो नीचे वाला हो जाएगा जिसमें टू आगे आता है ठीक है ओके हाँ जी बच्चा बताइए सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर log sin x। अब मैं आपको कहूंगी ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को भी लर्न कर लीजिए क्योंकि ये रिजल्ट हम आगे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज भी करते हैं ये जो रिजल्ट है कि 0 से पाई बाय 2 log sin x dx की वैल्यू क्या होती है प्लीज लर्न इट माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 log 2 ठीक जा रही हूँ ये माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 आप अपना जो रिजल्ट है ये रिजल्ट जो है आप ये डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं।